नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जम्मू कश्मीर यूटी के अन्य क्षेत्रों की तरह जिला डोडा एवं कासीगढ़ मेन बाजार को भी हिंदू सनातन धर्म की तरफ से बंद किया गया। यह विरोध प्रदर्शन राजौरी में की गई हत्या को लेकर किया गया है, जिसमें हत्या में दहशत गर्दों ने कई लोगों की बेरहमी से हत्या की। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। प्रदर्शन में हिंदू सनातन धर्म के साथ मुस्लिम बरादरी के लोगों ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन में हिंदू सनातन धर्म के कार्यकर्ता कश्मीर सिंह मनहास, विकास सिंह भाऊ, जीवन सिंह चिब, स्वर्णवीर सिंह जराल, रणवीर सिंह चिब, पिंकुम सिंह, संतोष सिंह, इंद्रजीत सिंह, हकम सिंह, सुरजीत सिंह, ओम सिंह के अलावा नयमतुल्लाह जरगर ने भी इंसानियत के इस तरह कत्ल की काफ़ी निंदा की है। प्रदर्शन में कहा गया है कि इसे किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से पीसफुल एनवायरनमेंट को भंग करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ जम्मू कश्मीर में फिर से सिविलियन किलिंग्स की शुरुआत कर दी गई है दहशतगर्दों के द्वारा। आज कास्तीगढ़ में भी एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया। इसके बारे में ही हम लोगों से जानना चाहेंगे कि ये क्या चाहते हैं और किस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पे कास्तीगढ़ में किया गया। हम इन्हीं लोगों किलिंग हुई है, पूरा हिंदू मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर उसको कंडम कर रहा है और आने वाले समय में जो भी ऐसा शरारती तत्व होंगे जम्मू कश्मीर में उनको हम इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर के जो हिंदू मुस्लिम है पूरा इकट्ठा होकर उनका ओपोजिशन करेंगे, उनको क्रश करने की करेंगे। और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ हम खड़ा है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम अपनी वो दिखाए कि हम जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं। और सबसे दूसरी बड़ी बात है कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है तब ये किलिंग तब शुरू हो रही हैं आने वाले टाइम में, और ये ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हम इसको मतलब कि कंडम करते बारे में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम तक पहुंचे और हमारी जो प्रोटेस्ट की कवरेज आपने ली है इसके लिए शुक्रिया। मैं आपको कहना चाहूँगा कि 370 को तोड़ा गया, हमारी स्टेट के टुकड़े किए गए इस उम्मीद पर, और ये लॉलीपॉप लोगों को दिए गए कि अब यहाँ आतंकवाद ख़त्म होगा, यहाँ मिलिटेंसी ख़त्म करेंगे, यहाँ तरक्की होगी, यहाँ हम आपके यूथ को इससे बढ़िया इन्वायरमेंट देंगे आगे बढ़ाने के लिए। तो आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, बड़े दुख के साथ आज कहना पड़ता है। मैं सबसे पहले राजौरी में जो किलिंग्स हुई हैं उन परिवार के साथ हम शामिल हैं शाना बशाना, और जिन्होंने वो किलिंग की है उनकी पुरजोर और शिद्दत से हम मजम्मत करते हैं। जिसने भी वो कत्ल किए हैं, जिसने भी किलिंग की है, वो इंसान नहीं है, वो कई दरिंदे हैं। ख्वाह वो किसी भी एजेंसी से हो, कोई भी मिलिटेंसी एजेंसी से हो, किसी दूसरी एजेंसी से हो, ख्वाह वो इंसान को कत्ल करने वाला वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी और मजहब का हो, वो इंसान कतई नहीं हो सकता है। वो कई दरिंदे हैं, वहशी दरिंदे जो निहत्ते लोगों को। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी को भी जम्मू कश्मीर में ये हजम नहीं हो रही, यहाँ की ये जो है हिंदू मुस्लिम इतिहाद, यहाँ की जो बरादरी है, यहाँ का जो ये इन्वायरमेंट अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो किसी में अगर ताकत है वो सामने आकर लड़। ये आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो ये राजौरी में ये किलिंग हुई, इनोसेंट लोगों की किलिंग हुई, इसके लिए मैं बड़ी दुख से निंदा करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुसलमान यहाँ पे सारे एकजुट होके जीते हैं, ये कुछ लोग भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ।